तो दोस्तों मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए कुआलालंपुर से लंकावी। लंकावी जाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है ट्रेन फेरी का। तो ट्रेन जो है वो कम से कम 5 घंटे 6 घंटे इतना ले लेती है, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पर फेरी के लिए। फेरी भी 1 से 1.5 घंटा ले लेती है लंकावी पहुँचने के लिए। बट ओवरऑल इस जर्नी में आपके लग जाते हैं 10 से 12 घंटे, बिकॉज पहले आपको होटल से बस स्टैंड या ट्रेन स्टेशन पहुँचना पड़ेगा, देन वहाँ पर ट्रेन का वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद फेरी का वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से ही बस में है, बस 8 से 10 घंटे आराम से लग जाते हैं बस में। देन उसके बाद फेरी वाला ऑप्शन आता है, फेरी जो कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर लेकर जाती है, ठीक है, या सिटी से आइलैंड पर लेकर जाती है पानी पानी के अंदर, उसे हम फेरी बोलते हैं। तो मैंने चूज किया बाई फ्लाइट। ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी है टिकट मुझे 5,000 रुपीज़ की, बिकॉज मेरे पास बड़ा बैग है, बड़ा लगेज है, और लगेज एक्स्ट्रा हो तो 1,000 रुपीज़। मेरी 2 टिकट हुई है, रिटर्न टिकट मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी, इधर से 5,000 की है, रिटर्न मेरी 9,000 की है, बिकॉज मैंने एक दिन पहले बुक किया, 10 अगस्त है, कल नाइट में मैंने बुक की है, तो थोड़ी सी इसलिए एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ी बिकॉज एक दिन पहले ही, क्योंकि मेरी यहाँ पर कुछ वर्क मीटिंग भी थी, तो मेरा डिसाइड नहीं हो पा रहा था किस डेट में जाऊँगा। एनीवे होता है ऐसा भी। तो रेडी हूँ अब निकलने के लिए, जो भी आगे की अपडेट रहेगी वो आप सभी के साथ में टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों मैं निकल गया हूँ अभी एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी मंगा लिया, काफ़ी बड़ी कार है, 7 सीटर है, उसके अंदर आती हैं, बट जो प्राइस है वो सेम ही रहता है, 65 रिंगिट तो लेते ही लेते हैं, 10 रिंगिट होता है टोल का, तो टोटल 75 रिंगिट ये लेंगे वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए, जो कि लगभग 1600 रुपीज़ के आसपास आई थिंक आता है। 11:56 पर ये आए हैं, 12:46 का टाइम दिखा रहा है वहाँ पर रीच का, 12:50 मान लीजिए आप, 1:55 पर मेरी फ्लाइट है, मतलब 1 आवर 1 घंटा रहेगा मेरे पास सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ। लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मैं कि दूसरी कंट्री में आके इस तरीके से इतने कम टाइम में पहुँचे, एटलीस्ट 2 आवर बिफोर आप पहुँच जाएँ। मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा था और मुझे पता है कि मैक्स टू मैक्स 20-30 मिनट में मैं चेक इन वगैरह सब कुछ क्लियर कर लूँगा, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर अकेला ही हूँ मैं, एक इस तरीके से व्यू है, और ये बाहर का व्यू है रोड का, जो कि पहले भी आप लोग देख चुके हो। बट मलेशिया में काफ़ी सबसे अच्छी चीज़ लगी कि खाने में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिलती है, कंस्ट्रक्शन इंटीरियर आर्किटेक्चर सब कुछ फर्स्ट क्लास है, काफ़ी अच्छा बनाया मैंने, काफ़ी अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किया हुआ है इसको। जितनी चाहे बारिश हो जाए लेकिन रोड पे पानी नहीं मिलेगा आपको, ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, और काफ़ी बड़े बड़े जो उन्होंने नाले बनाए हुए हैं, जिस तरीके से हमारे वहाँ पे नदी होती है, नदी के तरीके से नाले बनाए हुए हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ जो पाइप है, पाइप बहुत बड़े बड़े पाइप लगा रखे, जो हम वहाँ पे पुलिया के नीचे पाइप लगाते हैं ना, उस तरीके के पाइप इन्होंने ड्रेनिंग सिस्टम के लिए लगा रखे हैं, बहुत बड़ा सिस्टम बनाया। इवन ये देखो आप, इससे उधर भी ड्रेनिंग सिस्टम का ही है पूरा का पूरा, नाले का पानी है बहुत बड़ा है, तो काफ़ी अच्छी लगी है सारी चीज़ें देख के। सो दोस्तों एयरपोर्ट पर मैं पहुंचा 12:40 पर, और फिर जहां पर बोर्डिंग होनी थी वहां पर गया, विद इन 3 to 4 मिनट के अंदर सब कुछ कंप्लीट वहां से, देन सिक्योरिटी चेक इन, बैग में से सामान निकालना, फिर दोबारा से फिर से डालना सिक्योरिटी, उसके बाद बाथरूम गया, बाथरूम से फिनिश होके अब जो मेरा गेट है उस गेट के पास मैं हूँ, और अभी बज रहा है 1, तो यानी कि 20 मिनट के अंदर आप देख सकते हो बाथरूम भी, यानी कि मेरा सिक्योरिटी का उसका तो विद इन 10 to 12 मिनट के अंदर हो गया था, पहले 10 से 12 मिनट के अंदर ही, बिकॉज ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन फ्लाइट डोमेस्टिक है, तो ज़्यादा वहाँ पर भीड़ नहीं थी, मतलब मुझे एक पर्सन का भी वेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मैं काउंटर के ऊपर गया, किसी का बच्चा रो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। एनीवे तो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीटेड है, यहाँ से कोई इशू नहीं है, रेडी हो निकलने के लिए। 1:25 का मेरा टाइम है, तो 25 मिनट मेरे पास है, तब तक कुछ थोड़ा बहुत घूम लेते हैं एयरपोर्ट को, और यहाँ का जो व्यू है वो कुछ आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये बर्गर किंग है, और ये इधर गेट है यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं लंकावी एयरपोर्ट पर। जस्ट अभी बारिश होकर रुकी है बट वेदर बहुत अच्छा है, किस तरीके का जो आपको देखने को यहाँ पर आप देखें,
काफ़ी खूबसूरत व्यू है एयरपोर्ट का। तो दोस्तों जस्ट निकला हूँ अभी एयरपोर्ट से, कुछ इस तरह का व्यू है बाहर एयरपोर्ट का, देख सकते हो आप। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई थिंक ओनली टू बेल्ट है वहाँ पर जहाँ पर लगे जाता है, सिर्फ टू। छोटा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी कोई फेरी या कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। टैक्सी बुक की है और ये लेंगे 13 रिंगिट, सो ड्रॉप कर देंगे मुझे वहाँ पर। 13 रिंगिट अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। ये चीज़ अच्छी लगी, टाइम सेविंग हो गई। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, होटल में ही रह रहा था मैं लास्ट 5 डेज से, तो किसी से ज़्यादा मिलना नहीं हुआ। तो यहाँ पर होटल भी देखे, होटल भी 1000, 1200, 1500, 2000 में आपको अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर। बट मैंने आज बुक किया है हॉस्टल 2 नाइट के लिए। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस पहले मैं शेयर कर चुका हूँ, जब मैं स्विट्ज़रलैंड में था या यूरोप ट्रिप पे था, तो यहाँ का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ओवरऑल अभी तक का सब कुछ अच्छा रहा और पहुँचने वाला हूँ, 10 से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा हॉस्टल अपने। बाकी का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो शेयर करता हूँ आप सभी के साथ में। ये जो व्लॉग था हमारा, ये था फ्लाइट एक्सपीरियंस का। फ़्लाइट थी माई एयरलाइन की, ओवरऑल फ़्लाइट सही थी। 20-25 मिनट्स डिले थी, बट उन्होंने पानी भी जो दिया है वो चार्जेबल था, मतलब 3 रिंगेट का पानी, वो भी 200 ml। वो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव भी लगा, और पहली बार शायद कोई ऐसी फ़्लाइट थी जिसमें पानी भी चार्जेबल था, या शायद एक बार मैंने पोलैंड में या कोई और मैंने की थी यूरोप में, शायद, श्योर नहीं हूँ मैं, बट यहाँ का श्योर हूँ अभी, बिकॉज 3 रिंगेट मैंने खुद पे की है। पानी था मेरे पास, मैंने सोचा कि क्यों उठूँ, सीट पे बैठे बैठे ले लेता हूँ, थोड़ा सा आलस किया बस मैंने, और कुछ नहीं है। अदरवाइज पानी की बोतल थी मेरे पास। एनीवे ओवरऑल फ्लाइट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सो एन्जॉय।